फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स का जो आज आपका पेपर हुआ है इस प्रश्न पत्र की पूरी आंसर की देखने वाला, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। आज का जो आपका प्रश्न पत्र हुआ है इसका हम आंसर देखेंगे, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें। चैनल पर जितने बच्चे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपका कोई भी सेट पेपर आया हो क्वेश्चन ये होंगे, मैं क्वेश्चन आपको पढ़कर बता दूंगी जिससे आप इन आंसर को टिक कर लीजिएगा। आपके पास जो भी सेट होगा उसमें आप क्वेश्चन तो मिला ही सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन 7 अंक का था। आंसर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो गूगल पर सर्च कर लेंगे www.arapindia.com, जहां पर आंसर की पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अवसर लागत है इनमें से क्या, तो आपने सही आंसर लगाया होगा, त्याग की गई इकाइयों की संख्या, ठीक है, पहला आंसर सही है। उसके बाद क्या है, गैर कर राजस्व है इनमें से कौन सा, तो वह है उधारी, डी नंबर का आंसर आपका सही था, ठीक है। और कीन्स के सिद्धांत का संभव है किस संबंध है, किससे, प्रभावपूर्ण मांग से इसका संबंध है। बजट रेखा की प्रवणता या ढाल कितनी होती है, तो आपका आंसर था ऑप्शन नंबर ए -P2 और P3, ठीक है, ये आपका राइट आंसर। भारत में एक रुपए का नोट निगमित करता है, कौन निगमित करता है, वित्त मंत्रालय जो है निगमित करता है। कौन सी लागत मूल्य शून्य, कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती, तो वो है स्थिर लागत जो कि शून्य नहीं हो सकती, ठीक है। अगला क्वेश्चन जाता है वो आपको यहाँ पर संबंधित है किससे बताना था, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, मात्राओं से, ठीक है, राइट आंसर आप लगा दीजिएगा सी नंबर का। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रश्न क्रमांक 2 है। जीएसटी की मानक दरें है कितनी, 18% जीएसटी की मानक दरें हैं। उत्पादन के साधन कितने होते हैं, तो उत्पादन के साधन 5 होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता किस प्रकार की वस्तुएं बेचते हैं, तो समरूप वस्तुएं बेचते हैं। अगला क्या था आपका, कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया है, तो मुद्रास्फीति कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया है। राष्ट्रीय आय की गणना कितने वर्ष में होती है, तो 1 वर्ष में होती है राष्ट्रीय आय की गणना। M1 और M2 संकीर्ण मुद्रा है, ठीक है, इसमें M1 और M2 का आंसर संकीर्ण आ जाएगा, तो ये आपके पूरे रिक्त स्थान हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सत्य असत्य बताइए, ठीक है। निवेश की भौतिक पूंजी स्टॉक भी कहते हैं निवेश को, तो करेक्ट है। विदेशी विनिमय दर को फोरेक्स दर भी कहते हैं, ये भी सत्य है। गिफिन वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू होता है, तो असत्य। स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहा जाता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है, करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं, ठीक है, तो ये आपका सत्य है। और पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपके सत्य सत्य हो गए। सही जोड़ी देख लेते हैं फटाफट से, वीडियो को लाइक जरूर से कर दे, चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ठीक है। पहले का आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पहले का तो नहीं, पहले हम देख लेते MPS, ठीक है। MPS का आंसर हो जाएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। निम्न स्तरीय वस्तु इनमें से कौन सी है, तो मोटे अनाज। स्टॉक क्या है, निश्चित समय यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। बजट रेखा की प्रवणता है वो समय अवधि, और APC हो जाएगा आपका IAPC, ठीक है, तो आप इनमें से देख लीजिएगा प्रवाह क्या आएगा, आंसर मिलान कर लीजिएगा फ्लो का। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं, त्रुटि और लोप किसे कहते हैं, ठीक है, ये आपको देखना है, तो एक बार देख लेना आपके इसमें मिल जाएगा उत्तर। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, तो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, जब वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगे, ठीक है, और ये आपको देखना है। इसके बाद है राष्ट्रीय आय की गणना की तीन गणना की विधियों के नाम, आय विधि और उत्पादन विधि और मूल्य वृद्धि विधि, ठीक है, तीन है विधि, तो तीनों के आप देख लीजिएगा नाम, मूल्य वृद्धि विधि है, आय विधि और उत्पादन। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, जो प्रेरित उपभोग की संख्यात्मक मान प्रदान करता है। प्रत्याशित निवेश कहते हैं वह निवेश जिसे निवेशकर्ता विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निवेश करता है, ठीक है, ये प्रत्याशित निवेश होता है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पूरा प्रश्न पत्र था क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का, हमने सॉल्यूशन देखा। वीडियो को लाइक भी करें शेयर भी करें अपने सभी दोस्तों में। 12th इकोनॉमिक्स का प्रश्न पत्र मैंने यहाँ पर आपको बताया संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ में, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, आगे और ऐसे वीडियोज़ आपको क्लास 12th के मिलते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।